जो कोरोना वायरस है इसने एक जगह ये बात साबित कर दी है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर, कि पढ़े लिखे हों या कोई ना पढ़ा लिखा हो, दोनों को वायरस ने बराबर धोखा दे चकमा दिया है। और दोनों ग्रुप्स जो हैं, जिनको मालूम है और जिनको मालूम ना भी है, दोनों ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब वायरस यहाँ से चला गया है। और जब जब हम ऐसी प्रिजम्पशन लेते हैं, ऐसी प्रिजम्पशन रखते हैं, तो फिर से केसेस एकदम से बढ़ते हैं। जब जब लार्ज गैदरिंग्स होती हैं, केसेस में इन स्पाइक देखी गई है। अभी कुछ दिनों से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो डोमेस्टिक केसेस हैं, जो रेजिडेंट केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, उनमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। लेकिन ये डिक्लाइन, इसको सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है। और कोविड अभी यहाँ से गया नहीं है, अभी भी हमारे 40s में 50s में केसेस आ रहे हैं पर डे, जो अच्छी खबर नहीं है। और मैं फिर से एक बार एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये बात, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखिए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर आप देखें, आज तक टोटल जो जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो SOP इसके लिए बनाया गया था, उसके तहत टोटल आज तक 1165 अराइवल थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के। इन 1165 में से 542 ज़िला श्रीनगर के रेजिडेंट हैं, जिसका मतलब साफ है कि मेजॉरिटी जो अराइवल्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर के, वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि जितने ट्रैवलर्स आज तक आए हैं एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट से, उनमें एक पॉजिटिव केस आया था एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान, जो बांडीपुरा का रेजिडेंट था। उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें आठवें दिन दोबारा टेस्टिंग करनी होती है। जब दोबारा टेस्टिंग की गई तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, और उनको आइसोलेट करके जो हमारा खन्नू में 500-bedded कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ उनको दाखिल किया गया है। इसके अलावा उनकी जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी टेस्ट किया गया है। लकली फॉर्चुनेटली जो फैमिलीज हैं वो नेगेटिव हैं, तो और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ खितों से ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी फास्ट स्प्रेड है, काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में हमें जो कोविड SOPs हैं वो फॉलो करने हैं कम्प्लीटली इन लेटर एंड स्पिरिट।